स्टैंडर्ड 4 इंग्लिश पेज नंबर 13 सॉरी पेज नंबर 31 पोएम नंबर 14 माय बुक्स। माय बुक्स मतलब मेरी किताब। अभी इस पोएम में एक बच्चे ने अपना एक्सपीरियंस बताया है जब वो उसके बुक पढ़ता है, उसने वो क्या फील करता है उसने इस पोएम के थ्रू हमें बताया है। तो वो कहता है, आई लव माई बुक्स, दे आर द होम्स ऑफ प्रिंस एंड फेरीज एंड नाइट्स एंड नोम्स। उसने कहा है मुझे मेरे बुक से प्यार है क्योंकि वो एक तरीके का घर है और उन घर में प्रिंस भी है, फेरीज भी है, नाइट्स भी है, नोम्स भी है, मतलब राजा रानी है, फेरीज भी है उसमें, शूरवीर भी है, हर तरीके के लोग उसमें है। ईच टाइम आई रीड आई मेक अ कॉल। जब भी मैं बुक पढ़ता हूँ मैं कॉल करता हूँ, मतलब कॉल करता हूँ मतलब फ़ोन लेकर कॉल नहीं करता, तो मैं बुलाता हूँ। किसे बुलाता हूँ? ऑन सम क्वाइंट पर्सन लार्ज और स्मॉल। एक विचित्र इंसान है, उस विचित्र इंसान को मैं हमेशा देखता हूँ। कभी वो छोटा रहता है मतलब हाइट में एकदम छोटा सा बटला सा रहता है, कभी उसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा रहती है। वो वेलकम्स मी विद अ हार्टी हैंड, और वो हमेशा एक दिल से मेरा स्वागत करता है। एंड लीड्स मी थ्रू हिज वंडरलैंड, और वो मुझे लीड भी करता है मतलब मुझे गाइड भी करता है हर चीज़ के लिए उसके वंडरलैंड से। ईच बुक इज़ लाइक अ सिटी स्ट्रीट। भी बुक है वो, हर बुक मुझे एक सिटी स्ट्रीट की तरह दिखती है। सिटी स्ट्रीट मतलब जो शहर के सड़क रहती है उसे कहते हैं सिटी स्ट्रीट। अलॉन्ग वुड्स वाइंडिंग वे आई मीट, और उसके साथ वो सिटी स्ट्रीट के साथ सिटी स्ट्रीट जैसा मुझे इसलिए लगता है क्योंकि उस बुक के जो रास्ते हैं, उस बुक को जो पढ़ने का तरीका है, जो बुक पढ़ के मुझे फील होता है वो ऐसा है कि शहर की सड़क की तरह, क्योंकि शहर जो शहरों की सड़क रहती है वो घूम फिर के एकदम घूम फिर के रहती है, इसलिए। तो बच्चा कहता है इस बुक इज़ लाइक अ सिटी स्ट्रीट अलॉन्ग वुज वाइंडिंग वे आई मीट, घूम घूम के वो ही सड़क की तरह है। न्यू फ्रेंड्स एंड ओल्ड वो लैप्स एंड सिंग, वहाँ पे घूम फिर के मुझे नए और कभी पुराने फ्रेंड्स मिलते, वो हमेशा हंसते और गाते रहते हैं। एंड टेक मी ऑफ एडवेंचरिंग, और हमेशा मुझे एडवेंचर करते रहते हैं वो। तो ऐसी ये एक छोटी सी पोएम है, नीचे क्वेश्चन एंड आंसर्स है। रीड द पोएम अलाउड, आपको ये पोएम लर्न करनी है और रीड भी करनी है अच्छे से। पहले आपको रीड करनी है अच्छे से, फिर धीरे धीरे लर्न भी करनी है। द के इन नाइट्स एंड जी इन द नोम्स आर साइलेंट, राइट एट लीस्ट 10 अदर एग्जाम्पल्स ऑफ साइलेंट लेटर्स इन द वर्ड्स। अभी ऐसे साइलेंट लेटर्स बहुत सारे हैं, जैसे कि नाइफ में के साइलेंट होता है, साइकोलॉजी में पी होता है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। पी इन साइकोलॉजी, द डी इन हैंडकरचीफ, द के इन द न्यू, द के इन द नाइफ, द जी इन द स्लाइड, द एन इन द हेम, ऐसे बहुत सारे हैं। तो मैं आपको वो आंसर सेंड करूँगी, वो आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। राइट इन शॉर्ट व्हाट द चाइल्ड फाइंड्स इन द बुक। अभी इस बुक में बच्चे को क्या मिलता है, मतलब क्या फाइंड कर रहा है वो, किस चीज़ के लिए, वो आपको आपके वर्ड्स में शॉर्ट में आंसर लिखना है। तो इसका आंसर भी मैं आपको सेंड करूँगी, इसके हार्डवर्क सेंड करूँगी, वो आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। एक बार ये पोएम आपकी नोटबुक में आपको लिखनी है, और क्वेश्चन एंड आंसर भी लिखने हैं। बच्चे सिर्फ आंसर लिखते हैं बहुत बार, मुझे विद क्वेश्चन एंड आंसर सब चाहिए, नीटली लिखना है आपको आपकी नोटबुक में। थैंक यू।